हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो होम रेमेडी के ऊपर है, जिसमें मैं आपको बहुत ही इजी होम रेमेडी बताऊंगी जो सबके घर में अवेलेबल होता है। जैसे कि इसमें हनी और मिल्क का यूज़ होगा, तो ये सबके घर में मिलता है आसानी से। इससे आपकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग हो जाएगी। अगर किसी किसी को केमिकल वाले प्रोडक्ट्स, जैसे सब में होता ही है थोड़ा बहुत केमिकल प्रोडक्ट्स में, अगर सूट नहीं करते, अगर उनको होम रेमेडी सूट करती है तो वो आप इस वाली होम रेमेडी को यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छी स्किन आपको बहुत ही कम समय में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस होम रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टीस्पून मिल्क, इस तरह से हम एक बाउल में ले लेंगे, और 1.5 टीस्पून हमको चाहिए इसके लिए हनी। तो इसके लिए मैं डाबर हनी का यूज़ कर रही हूँ, ये स्किन के लिए बहुत हेल्दी होती है। आप इसको अगर अप्लाई करेंगे इस पैक को तो एक अच्छी सी ग्लोइंग स्किन आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं पैक को लगाना। अब इस पैक को हम लोग अच्छे से मिलाएंगे जब तक दोनों जो प्रोडक्ट हैं आपस में मिल ना जाएं, मिल्क और हनी। जब अच्छे से ये मिल जाएंगे तो एक कुछ ऐसा टेक्सचर हो जाएगा इसका, है तो पतला सा टेक्सचर लेकिन अच्छे से लग जाएगा फेस पे। अब बस इसको इस तरह से ब्रश पर लेकर हमको इस तरह से अप्लाई करना है पूरे फेस पर। डार्क सर्कल पे भी लगा सकते हैं इसको अच्छे से, ताकि ये भी कम हो हमारे। जिसको जैसी प्रॉब्लम हो वो इसको अप्लाई कर सकता है। जैसे डार्क सर्कल की मेरे को प्रॉब्लम है तो मैं इसको इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे से आप इसको नेक पे भी अपने अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो नेक पे ब्लैकनेस होती है वो भी रिमूव हो जाए। और मैं पैक को अच्छे से लगा चुकी हूँ अपने फेस पर। अब इस पैक को मैंने अपनी स्किन पर लगा लिया है फेस पर। अब मैं इसको 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी बिना कोई मूवमेंट के फेस पर। 20 minutes later। तो फ्रेंड्स, 20 मिनट कंप्लीट होने के बाद हम थोड़े से इसे पानी हाथों पे लगाएंगे और इस तरह से फेस की मसाज करेंगे। इस तरह मसाज करने के बाद मैं एक वेट टिश्यू लूँगी। अब जितना भी प्रोडक्ट मेरे फेस पे है मैं उसको अच्छे से रिमूव कर दूँगी। चाहे तो आप पानी से मुंह भी धो सकते हैं जाकर अच्छे से। मेरे पास टिश्यू और बाउल है और मैंने इसी में पानी लेके इसको अच्छे से फेस को क्लीन कर लिया। इस पैक से बहुत अच्छी फ्रेशनेस भी आती है फेस पे, और हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो भी रिमूव होने लग जाती है। बट कंटिन्यूसली यूज़ करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं होता कुछ भी कि एक ही बार लगा के हमारा फेस ग्लोइंग हो जाएगा। हमें थोड़े टाइम इसको, जैसे वीक में हम लोग इसको 2 से 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं, और नाइट में करें इन प्रोडक्ट्स को यूज़ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे नाइट हुई, आप फ्री हो गए सारे काम से, तो ये छोटा सा जो पैक है इसको बना के आप स्किन पर अपनी लगाइए और बढ़िया सी ग्लोइंग स्किन पाइए। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं होम रेमेडीज़ के ऊपर तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।